बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आ जाओ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जीरो टू वन बाई रूट टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 डी एक्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर सपोज डैट ये क्वेश्चन हमारा डेफिनेट नहीं इनडेफिनिट होता तो तुम क्या करते। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन हमारा इनडेफिनिट होता तो क्या करते। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि साइन इनवर्स एक्स को क्या मानते, टी मानते, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता, डी टी होता। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर लिमिट भी हमें चेंज करना होता तो यहाँ पे लिमिट क्या, फिर लोअर लिमिट लेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो क्या हो गई है साइन इनवर्स एक्स की जगह डाला जीरो तो टी, तो यहाँ से हमें टी का वैल्यू क्या मिल गया जीरो। फिर क्या लेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई रूट टू तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स की जगह डालेंगे कहाँ, यहाँ यहाँ मत डाल देना, एक्स की जगह क्या डालेंगे वन बाई रूट टू, ये क्या हो जाएगा हमारा टी। तो साइन इनवर्स वन बाई रूट टू क्या होता है, वन बाई रूट टू सॉरी पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टी। अब हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल हमारा था जीरो टू वन बाई रूट टू साइन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 डी एक्स, ये था ना हमारा इंटीग्रल। तो सबसे पहले लिमिट चेंज होगा, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो फिर टी का वैल्यू जीरो है तो लोअर लिमिट यहाँ तो जीरो रह जाएगा, फिर जब एक्स का वैल्यू वन बाई रूट टू है तो टी का वैल्यू क्या पाई बाई फोर तो ये हो गया पाई बाई फोर। फिर साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है टी, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 और यहाँ से डी एक्स निकालो, यहाँ से ना तुम डी एक्स निकालो, डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी अपॉन रूट अंडर डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर पे इंटू डी टी। तो आई हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो आई क्या हो गया हमारा जीरो टू पाई बाई फोर टी अपॉन, ये क्या लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 और यहाँ क्या लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 डी टी, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर टी, ये क्या होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 माइनस 3/2 डी टी। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। ठीक है, ये हो गया जीरो टू पाई बाई फोर टी, वन माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 3/2 क्या होगा माइनस वन डी टी, तो क्या हो गया जीरो टू पाई बाई फोर टी अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब क्या करेंगे, अब इसको तुम ऐसे देखो, एक्स को हमने यहाँ पे हमने क्या माना है, एक्स को क्या माना है हमने सॉरी साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स को क्या बोला हमने टी, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा साइन ऑफ टी, तो हमारा जो इंडेफिनिट है ना जीरो टू पाई बाई फोर इसमें टी तो है ही, वन माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, जीरो टू पाई बाई फोर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी, तो क्या हो जाएगा ये जीरो टू पाई बाई फोर टी कॉस स्क्वायर टी क्या होगा सेकेंड स्क्वायर टी डी टी। अब फिर देख लो अब क्या लगेगा, अगेन बाई पार्ट्स लगेगा, आई लेट पहला फंक्शन क्या हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन है देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये टी हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकेंड स्क्वायर टी हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। अब याद करो कि मैंने कैसे बताया था कि अगर तुम्हें डेफिनेट में बाई पार्ट्स लगाना है तो एक तो ऑप्शन क्या है कि लिमिट भूल जाओ, पहले इसको इनडेफिनिट मान के सॉल्व कर लो फिर लास्ट में लिमिट पुट करके आंसर निकाल लो, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है
कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, बट किस में, डेफिनेट में नहीं, इनडेफिनेट में, और यहाँ पे लगा देंगे 0 to π/4, फिर माइनस, फिर 0 to π/4, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड को इनडेफिनेट में ही इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, टी। अब सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल होगा टेन ऑफ टी, 0 to π/4। टी का इंटीग्रल टी के रेस्पेक्ट, सॉरी, टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 1, और सेकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा, टेन टी, यहाँ पे लिमिट डालेंगे 0 to π/4 dt। अब पहले इसमें लिमिट डालते हैं, पहले पाई बाई फोर, तो क्या होगा, पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर, अपर लिमिट डाल दिया माइनस, अब जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो, 0 to π/4 टेन ऑफ टी, ठीक है ना। अब टेन टी का इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, दो बताया था मैंने, टेन एक्स डी एक्स क्या बताया था, एक तो बताया था माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, एक तो बताया था लॉग मॉड सेक एक्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो ये मैंने लिखी है, तो आई हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये तो पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर क्या होता है, 1, तो ये तो 1 हो गया, 0 तो 0, तो यहाँ पे ये बच गया, और ये 0 to π/4, और क्या हमारा टेन टी डी टी, तो ये क्या हो गया हमारा पाई बाई फोर। इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, टेन टी का इनडेफिनिट इंटीग्रल, माइनस डाला, एक तो माइनस बाहर भी है, लॉग मॉड कॉस एक्स या कॉस टी, 0 to π/4, तो ये क्या हो गया पाई बाई फोर, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया, लॉग मॉड कॉस ऑफ टी 0 to π/4। पहले क्या करेंगे, पाई बाई फोर प्लस, पहले डालेंगे हम अपर लिमिट, लॉग मॉड कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस लॉग मॉड टी की जगह क्या डालेंगे, 0, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर क्या होता है, 1/√2 माइनस लॉग कॉस 0 क्या होता है, 1, तो लॉग 1 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया, तो हमें क्या मिल गया पाई बाई फोर प्लस ln 1/√2, तो 1/√2 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर -1/2 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, ये -1/2 लॉग के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो -1/2 ln 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है ना ये, तुम इसको ऐसे सोचो कि अगर ये क्वेश्चन इनडेफिनिट में होता, अगर ये क्वेश्चन इनडेफिनिट में होता तो हम कैसे सॉल्व करते, इसको सोचो, अगर ये क्वेश्चन इनडेफिनिट में होता तो हम इसको सॉल्व कैसे करते। यहां पे ऑब्वियस सी बात है, एक्स की जगह क्या मानते, एक्स की जगह हम लोग टैन थीटा मानते, या तो फिर ये तुम देखो, ये तो हमारा सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन इनवर्स 2x, ठीक है, साइन इनवर्स नहीं, एक्स की जगह टेन थीटा नहीं मानते, नहीं नहीं एक्स की जगह टेन थीटा ही लेते, साइन इनवर्स 2x/1+x²dx है ना। अगर ये इनडेफिनिट होता है, इसको हमने आई बोल दिया, तो हम लोग क्या करते, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देते, एक तो ये है, दूसरा क्या है कि साइन इनवर्स
टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना टू टेन इनवर्स एक्स का, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आई को हमने क्या बोल दिया, 0 to 1, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करोगे तो फिर हमें सब्सिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, टू बार कर लिया, 0 to 1, इसको लिखा 1 into tan inverse x, अब क्या लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स में आई लेट, पहले हमारा क्या है इन्वर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहला इन्वर्स फंक्शन आएगा, सेकेंड में क्या आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, तो आई क्या होगी हमारा 2। उसके बाद क्या करते, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को इंडेफिनिट मान के इंटीग्रेट कर दिया, अब इस पे लिमिट लगा देंगे, फिर माइनस 0 to 1, जिस फंक्शन पहले फंक्शन को जिसको हमने छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे टेन इनवर्स एक्स को, और दूसरे को इंडेफिनिट मान के इंटीग्रेट करेंगे, और ये होल का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, तो हमें क्या मिला 2, यहाँ से क्या मिला टेन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, 0 to 1 माइनस 0 to 1, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 plus x square, और ये होता है एक्स डी एक्स। अब यहाँ तो पहले तुम लिमिट पुट करो, पहले 1 पुट करो, x की जगह 1 into tan inverse 1, अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा टेन इनवर्स 0 into 0 माइनस, ये क्या हमारा 0 to 1 एक्स अपॉन 1 plus x square dx। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4, और ये तो हमारा 0 माइनस, इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करने पे क्या हो गया 1 plus x square का डेरिवेटिव बन गया, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 upon 2। तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस का सी, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग मॉड 1 plus x square अब ये तो मॉड है 1 plus x square तो पॉजिटिव है, तो मॉड हटा दो, अब लिमिट पुट करो पाई बाई 2 माइनस 1/2, पहले 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 log 2, माइनस 0 पुट करोगे एक्स की जगह तो क्या बचेगा लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया पाई बाई 2 माइनस 1 upon 2 ln 2, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस ln 2 पे पावर 1 upon 2, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ln रूट 2, एक तो ऐसे भी लिख सकते हो, फिर यहाँ से तुम देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 2 माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दिया ln पे पावर 2 पे पावर 1 upon 2 माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस ln 1/√2, ये भी आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे हो गया, दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे 0 to 1, ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते थे, ये है ना, इसमें हम लोग क्या करते पोट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा डी एक्स टेन थीटा का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता आई हमने किसे बोला 0 to 1 साइन इनवर्स, ये है ना 2x upon 1 plus x square dx। अच्छा लिमिट भी चेंज करना होता, हमें क्या करना होता लिमिट भी चेंज करना होता, तो उसके लिए क्या करते ऐसे लिखते व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट डाला कहाँ डालेंगे यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ से हमें
थीटा क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो। वेन एक्स इज इक्वल्स टू वन, वन क्या मिलेगा हमें, हमने हाँ टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर। तो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल क्या था, जीरो टू वन, ये था ना साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले तो लिमिट चेंज करेंगे, जब एक्स का वैल्यू ज़ीरो है तो फिर थीटा का वैल्यू भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो डाल दिया। जब एक्स का वैल्यू वन है तो थीटा का वैल्यू पाई बाई फोर है, तो पाई बाई फोर डाल दिया। यहाँ पे साइन इनवर्स टू एक्स की जगह क्या डालेंगे, टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और डी एक्स की जगह क्या डालेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी एक्स की जगह क्या डालेंगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई फोर साइन इनवर्स। और ये क्या हो जाएगा हमारा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन टू थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमारा क्या हो गया, जीरो टू पाई बाई फोर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रही है बात, टू कॉमन ले लिया, जीरो टू पाई बाई फोर। और थीटा हमने क्या माना है, एक्स को टेन थीटा माना है ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और अच्छा एक काम करते, फिर एक्स में क्यों लाना है यार, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये तो हो ही गया हमारा, कन्वर्ट हो गया ना, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ पे इस इंटीग्रल को देखो, वन इंटू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट चेंज है ना इसका। अब फिर आईलेट लगाएंगे, फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो क्या हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले किसे लेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन को इनडेफिनिट में इंटीग्रेट किया, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई फोर। फिर माइनस सॉरी, जीरो टू पाई बाई फोर, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड फंक्शन को इनडेफिनिट में इंटीग्रेट किया, और होल का डेफिनिट में इंटीग्रेट किया। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, जीरो टू पाई बाई फोर माइनस जीरो टू पाई बाई फोर डी थीटा क्या होगा, वन। सेकेंड स्क्वायर थीटा का क्या होगा, टेन थीटा डी थीटा। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, टू, सबसे पहले पाई बाई फोर डालेंगे पूरे फंक्शन में, इंटू टेन पाई बाई फोर, जीरो डालेंगे तो ये तो वन हो जाएगा, तो हो गया ये जीरो टू पाई बाई फोर टेन थीटा। तो टेन पाई बाई फोर क्या होता है, वन, तो टू से मल्टी डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पाई बाई टू हो गया माइनस। अब टेन थीटा का इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, अभी बताया, माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। अच्छा यहाँ पे लिमिट भी डालेंगे, पाई बाई टू, ये माइनस को बाहर करो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस थीटा जीरो टू पाई बाई फोर। तो ये क्या मिल गया हमें, π
पाई बाई टू प्लस, पहले क्या डालेंगे, पाई बाई फोर लॉग मॉड कॉस पाई बाई फोर, फिर ज़ीरो, तो लॉग मॉड कॉस ज़ीरो, तो ये क्या हो गया हमारा पाई बाई टू प्लस लॉग मॉड कॉस पाई बाई फोर क्या होता है वन बाई रूट टू, माइनस लॉग मॉड कॉस ज़ीरो क्या होता है वन, और लॉग वन क्या होता है ज़ीरो, तो हो गया हमारा आंसर आ गया पाई बाई टू प्लस एल एन वन अपॉन रूट टू, यही आंसर आया था पहले केस में भी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री में, कि हमारा जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या करेंगे बताओ। अभी ना तुम इसको एज ए डेफिनिट इंटीग्रल भूल जाओ, इसको मानो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रल तो पड़ा रखा है, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर, और फोर को क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तक हमने डेफिनेट का तो कुछ यूज ही नहीं किया है, अभी तो हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सिंपली इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसको इसको चाहे तो हम लोग ऐसे कर लें, माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस थ्री से डिवाइड करें और माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें, फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख लें, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री जीरो टू पाई बाई टू, फोर ऐड किया हमने और फोर सब्ट्रैक्ट किया, फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख लिया, फिर आई हमारा क्या हो गया माइनस वन अपॉन थ्री जीरो टू पाई बाई टू, अलग कर लिया हमने, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस फोर कॉन्स्टेंट अब बाहर किया, जीरो टू पाई बाई टू वन अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमने ऐसे कर लिया, तो आई हमारा क्या हो गया माइनस वन अपॉन थ्री जीरो टू पाई बाई टू, ये तो हो गया वन डी एक्स माइनस फोर जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर आई क्या हो गया माइनस वन अपॉन थ्री, वन का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, जीरो टू पाई बाई टू माइनस फोर। अब इसका क्या करें, फिर अगर ये इंडेफिनिट होता तो क्या करते, इंडेफिनिट होता तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते, तो कर दिया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, तो न्यूमरेटर क्या वन, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेकंड टेस्ट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या होगा फोर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो फोर सेकंड टेस्ट स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डी एक्स, तो आई हमारा क्या हो गया माइनस वन अपॉन थ्री, अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे पाई बाई टू माइनस जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तक सेकंड टेस्ट स्क्वायर एक्स रखेंगे,
डिनोमिनेटर को ना हम लोग टेन में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो टेन एक्स को टी मानेंगे, तो फिर सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स को हमने बोल दिया 1 + tan² x -3 dx। तो आई हमारा क्या हो गया, -1/3 π/2 -4 0 to π/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 tan² x 4 - 3 + 1 dx। अब इसको ना हमने I1 बोल दिया, अब I1 को बाहर निकालते हैं। I1 क्या होगा, 0 to π/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan² x प्लस 1 dx। यहाँ पे हमने क्या किया, पुट टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। फिर क्या लेंगे, वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू जीरो, तो टेन जीरो क्या होगा, टी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू जीरो। फिर क्या लेंगे, वेन एक्स इज इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से क्या होगा, टेन π/2 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब हमारा जो ये I1 है इसको क्या होगा, जीरो, ये तो जीरो रह जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया। सेकेंड स्क्वायर डी एक्स तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, 4t² + 1। फिर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो 1/4 0 to ∞, ये क्या हो जाएगा, t² + 1/4। तो 1/4 को लिख लिया 1/2 का होल स्क्वायर डी टी। तो I1 क्या हो गया हमारा, 1/4 0 to ∞। ये कि किस फॉर्मेट में आ गया, इसका 1/x² + a² का क्या होता है इंटीग्रल, 1/x² + a² का इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan inverse x/a + c, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a, a का काम क्या कर रहा है, 1/2 tan इनवर्स, x का काम क्या कर रहा है, टी, अपॉन ए का काम क्या कर रहा है, 1/2। लिमिट क्या है, 0 to ∞। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये हमारा 1/2, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2t, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0 to ∞। तो 1/2, यहाँ पे टी की जगह इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी का ट्वाइस भी इन्फिनिटी होता है, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टी की जगह जीरो डालोगे, तो टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, तो 1/2 क्या होगा, π/2, और टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो क्या हो गया, π/4। ये हमारा आंसर आ गया, देख लो अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है तो। नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, ये तो I1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ना, ये तो I1 का वैल्यू हमने π/4 कैलकुलेट किया ना, अभी आंसर कहाँ आया हमारा, क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा। इसको हम लोग ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसमें अभी हमें I1 का वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करना है, हमारा इक्वेशन ये था, इसी को हमने क्या बोला था, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें तुम I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या हमारा -π/6 -4, और ये क्या हमारा यहाँ से π/4, तो क्या हो जाएगा -π/6 प्लस -π/2 -π, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, मिनट। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, अच्छा, एक मिनट।
बच्चों यहाँ मिस्टेक हो रही है। देखो ये जो 1/3 है ना, -1/3, मैंने सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई किया है, ये तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ +4/3, अब ये I1 होगा, तो ये भी हो जाएगा ना हमारा +4/3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा +4/3, और I1 का वैल्यू हमें क्या मिला, π/4। अब ठीक है ये, तो हमारा क्या हो गया, ये -π/6 +π/3 क्या हो जाएगा, ये एलसीएम क्या होगा, 6 माइनस पाई प्लस 2π, तो क्या होगा, π/6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ओके।